in the echo of words unspoken, tears in the silence, broken and fleeting. Why do the ones we need bring us pain? Love I gave freely, now just a strain. I lose myself while searching for your light. Someone else can't make these wrongs feel right. शिवसेना वांद्रे विधानसभा सभा का प्रमुख कैलाश हिरुनकर हूँ। आज धर्मवीर दो की स्पेशल शो हमारे जो विभाग प्रमुख है कुणाल भाई सरमलकर, इनकी तरफ से सब शिवसैनिकों को ये दिखाया जा रहा है आज का शो। बाला साहब ठाकरे और धर्मवीर आनंद दिघे जी, इनका एक अलग नाता था, अलग रिश्ता था उनका। जैसे मतलब गुरु शिष्य परम्परा में ये दोनों का नाम बहुत ही सम्मानजनक स्थिति में लिया जाता है, और धर्मवीर एक के बाद अभी ये धर्मवीर दो आया है, इसमें लोगों को जानकारी होगी कि क्या हुआ था उस वक्त, क्या हुआ था। और धर्मवीर आनंद दिघे साहब है, इनके जो इनका जो जीवन है, देख शिवसेना के लिए कैसा उन्होंने व्यतीत किया था, और उनके साथ के जो लोग थे जैसे कि अब आज के सीएम एकनाथ शिंदे साहब और बाकी जो लोग थे, इन्होंने उनको कैसे साथ दी थी, ये सब इसमें दिखाया गया। और ये अगर आज के शिवसैनिक ये देखेंगे तो उनके लिए भी एक मैसेज जाएगा, इसके लिए ये दिखाना जरूरी था। एकनाथ शिंदे जी की बात की आपने, कट्टर हिंदूवादी है, उनको किस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है, इस फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? अभी जब उनका गुरु ही हिंदुत्ववादी, कट्टर हिंदुत्ववादी था, तो उनके निक्षेपवाद कदम पर ही एकनाथ शिंदे साहब चल रहे हैं। इसके अलावा जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे, जनता ये मूवी देखे? जनता ने ये मूवी देखना ही चाहिए, और खास करके जो हिंदुत्व में विश्वास रखते हैं और जो कार्यकर्ता हिंदुत्व के लिए काम करता है, वो हर कार्यकर्ता ने ये मूवी देखने जरूरी है। चाहेंगे आज स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है आपकी ओर से, क्या संदेश देना चाहेंगे? यह हमारे पास तीन विभाग है, पार्ला में एक शोज दिन हुआ आज बांद्रा में, दो दिन के बाद बांद्रा वेस्ट में भी रखा गया है। ये सभी हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी और उनके रिश्तेदारों के लिए, सबके लिए रखा गया है, जानने के लिए कि पहले ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता कैसे थे और शिवसेना पक्ष में कैसे लोग थे और कैसी पार्टी बड़ी हो गई उन लोगों की वजह से। जो रेडीमेड लोग आके बैठे हैं, जो कॉरपोरेट कंपनी बना के बैठे हैं पक्ष को, फेक नैरेटिव जैसे सेट करते हैं वो व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे, तो उन लोगों के लिए जानना जरूरी है। पिक्चर देखो और पक्ष का स्थापन कैसे हुआ है, किस तरीके से पहले जुने लोग कैसे थे, वो जानना, उनके लिए हमने ये शो रखा है। मूवी आपने देखी है, एकनाथ शिंदे जी के बारे में भी इसमें दर्शाया गया है, मुख्यमंत्री है हमारे महाराष्ट्र के, उनके बारे में क्या कहेंगे? वही मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, जैसे ये उबाटा गटा के लोग फेक नैरेटिव सेट करते हैं और खोटी प्रसिद्धि मिलने के लिए बमाबम करते हैं, उनको भी ये पिक्चर देखना जरूरी है। एकनाथ शिंदे कैसे ऊपर आए और उन्होंने पक्ष के लिए क्या किया और ये पक्ष कैसे ऊपर आया, तो वो सब हकीकत दिखा है उसके अंदर। एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, कई सारे कार्य वो कर रहे हैं, उनके कार्यों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक से एक स्कीम जो है वो लेकर आ रहे हैं, घंटा जो काम करता है ऐसा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को पहली बार। बहुत अच्छी थी और
इस जनरेशन को वीर सावरकर जी के बारे में कुछ पता नहीं है इतना, और शिवसेना ने भी इतना कुछ किया हिंदुत्व के लिए, वो भी पता नहीं था। तो थैंक्स टू कुणाल सर कि उनके वजह से मैं ये मूवी देख पाई और इतना एजुकेट कर पाई खुद को, और थैंक्स टू द डायरेक्टर कि इस जनरेशन को भी पता चलेगा कि हिंदुत्व क्या है, वीर सावरकर जी ने क्या क्या किया था और शिवसेना जी के बारे में सब पता चलेगा। तो उस हिसाब से स्टोरी लाइन बहुत अच्छी। अच्छा, यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे, ये मूवी देखना चाहिए? देखना चाहिए क्योंकि हिस्ट्री सबको पता रहनी चाहिए। मैं खुद ये मूवी देखने के बाद मुझे बहुत चीज़ें पता चली, मुझे भी ऑनेस्टली सॉरी पर पता नहीं थी काफ़ी चीज़ें। तो ज़्यादा रिस्पेक्ट होता है टूवर्ड्स आर रिलीजन, टूवर्ड्स आर कंट्री। सो या यूथ को ये मूवी देखनी चाहिए, हर किसी को देखनी चाहिए। मेरा नाम सचिन है एंड मैंने ये मूवी पहली बार देखी। इसका फर्स्ट पार्ट जब आया था तो मुझे पता नहीं था, आज मुझे कुणाल सर की वजह से ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं सेकंड पार्ट देख पाया। एंड ये मूवी बहुत ही अमेजिंग है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस मूवी इज कि इसमें ये दिखाया गया है कि किसी भी रिलीजन को हेट मत करो, बट व्हेन इट कम्स टू हिंदुत्व, व्हेन इट कम्स टू योर ओन रिलीजन, तो मेक श्योर टू डू एवरीथिंग टू फाइट फॉर इट, टू प्रोटेक्ट इट, बिकॉज हिंदुत्व इज अमेजिंग एंड उसकी रक्षा करना एज अ ह्यूमन, एज अ हिंदू हमारा काम है। सो आई लाइक दिस बेस्ट पार्ट अबाउट दिस मूवी कि उसमें हमें हिंदुत्व से प्यार करना सिखाया है, हिंदुत्व की वैल्यू सिखाई है। स्टार कितना देना चाहिए? मूवी इज 5.5 बेस्ड ऑन द नॉलेज एंड द इंफॉर्मेशन व्हिच इज प्रोवाइडिंग टू अस जेंजीज। वी डोंट नो अबाउट वीर सावरकर, आवर जनरेशन डजंट नो अबाउट वीर सावरकर, आवर जनरेशन डजंट नो अबाउट बालासाहेब ठाकरे, एकनाथ शिंदे, शिवसेना, बीजेपी और एनीवन हु हैज डन एनीथिंग फॉर हिंदुत्व, बीट बीजेपी, बीट शिवसेना और एनीथिंग। So we are getting to learn everything up from this movie. So that's why I would like to give it 5.5 based on the information which is it is giving us. Thank you. आपली बघायला आली आहे कांती सांता क्रुझला, मूवी खूप छान आहे। आपल्या हिंदू धर्माबद्दल सनातन आपण एक धर्म एकनिष्ठ राहू ही खूप मोठी गोष्ट आहे आणि आपल्याला हे सगळं भेटत आहे। त्याच्यामध्ये एक डायलॉग होता की सगळे जर नंतर विसरून गेले तर 4 महिने नंतर बोलेल की माझा धर्म फक्त, तर आपण हिंदू आहोत आणि हीच मोठी गर्वाची गोष्ट आहे। खूप मोठी महाराष्ट्रात राहतो आपण आणि हीच मोठी गोष्ट आहे। आणि थँक्यू सो मच कुणाल सरवाळकर सर, की त्यांनी आम्हाला ही अपॉर्च्युनिटी दिली आहे सगळ्यांना हिंदू धर्म हा सांगण्यामध्ये भरपूर आणि मोफत हे केलंय, तर त्यांचे खूप आभार मानते मी। थँक्यू सो मच। कॅरेक्टर सगळ्यांचे चांगले आहेत आणि सगळे चांगले। 5 में से 5। बहुत अच्छी लगी। एक्चुअली मैं पहले से भी शिवसेना को फॉलो करते आ रही हूँ, जितने वो लोग हमारे कल्चर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं उस तरह से मुझे लगता है कि दे आर बेस्ट पार्टी जो इतने अच्छे से हमारे कल्चर को प्रोटेक्ट करके चल रही है। तो जब हमें पता चला मूवी के बारे में तो आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच द मूवी। सो या मुझे बहुत मूवी मुझे बहुत पसंद। हाँ एक्चुअली बहुत जरूरी थी क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं है इतना, आज की जनरेशन को उतना पता नहीं कि उन लोगों ने हमारे लिए पीछे बहुत कुछ किया हुआ है। तो आई थिंक इस मूवी के थ्रू उनको बहुत पता चलेगा, क्योंकि अच्छा वही मूवी फ्री है ताकि वो लोग देखने आए, कोई एक्सक्यूज ना हो, और देखने के बाद डेफिनेटली उनको पता चलेगा कि सावरकर जी ने और कितने लोगों ने हमारे लिए क्या क्या किया है। तो इट्स गुड, थैंक्स टू कुणाल सर। कैरेक्टर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एकनाथ शिंदे जी की भी कैरेक्टर यहाँ पर प्ले की गई। हाँ जी बिल्कुल, तो क्योंकि उनका इतना बड़ा रोल था इतने चेंज लाने में, तो जैसे कि मूवी में सर ने इतने अच्छे से पोर्ट्रे किया है उसको, मूवी वाज अमेजिंग कास्टिंग वाइज, एक्टिंग वाइज, स्क्रिप्ट वाइज, मूवी इज आल्सो अमेजिंग। एंड क्योंकि वो हमारे कल्चर से मतलब हमारे पास से जुड़ी हुई है, हमारे हीरो से जुड़ी हुई है, तो आई एम एंजॉयिंग अ लॉट। लास्टली कितना स्टार देना चाहेंगे? फॉर मी तो 5। थैंक यू। आपको कैसी अच्छा लगा? अब ये काम कर रहे हैं और अच्छा काम करने चाहिए। ठीक है, सबको याद आई एक याद आई बहुत तेज मस्त लगा। सही से नमस्कार, जय महाराष्ट्र। दिगे साहेबांनी आज मुलांसाठी 10वीच्या मुलांसाठी आज जे वार्षिक परीक्षा आहे, आज आपल्या भविष्याच्या मुलांसाठी त्यांनी खूप चांगलं काम केलं होतं आणि दिगे साहेबांना आम्ही मनापासून धन्यवाद करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
बहुत अच्छा लगा, सिंधिया सरकार का पिक्चर देख के हमको बहुत अच्छा लगा। ऐसे आगे उन्होंने काम करना चाहिए और हमारे लाठी बहन के लिए जो उन्होंने किया है हमको बहुत अच्छा लगा। आज तक जो नेता है उसने किसी ने किया नहीं, लेकिन एक यहाँ सिंधिया ने जो किया है हमारे बहनों के लिए वो बहुत अच्छे से किए। शिंदे साहब ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया है। पिक्चर एक नंबर मस्त, धर्म छान खूब छान खूब छान छान खूब छान मस्त तय भारी मूवी बघून डोळ्यात पाणी आलं। एकनाथ शिंदे साहेबांनी इतकं काम केलेलं आहे आमच्या कुणापर्यंत पोहोचलेलं नाहीये। हा जेव्हा सिनेमा सगळे पाहतील तेव्हा कळेल की एकनाथ शिंदे काय आहेत आणि काय होणार। खरोखर हिंदुत्वाचं त्यांनी आज आम्हाला दर्शन घडवलंय। एकनाथ साहेब आता मला बोलायलाही होत नाही की आम्हाला खरंच इतकं माहिती नाही की इतकं काम केलेलं त्या व्यक्तीने दिघे साहेबांबरोबर। आणि आज जे ते आहेत मुख्यमंत्री ते आज खरोखरच त्यांनी केलेल्या कष्टाचं प्रामाणिकपणाचं एक निष्ठेचं फळ आहे ते। जय जय महाराष्ट्र। मॅसेज हेच दिला की हिंदुत्वासाठी त्यांनी या लढा दिलेला आहे। त्यांनी हिंदुत्व सोडलेलं नाही, त्यांनी शिवसेना सोडलेली नाही, बाळासाहेबांचे विचार घेऊनच ते आज पुढे चाललेले आहेत। आणि हे लोकांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे, सगळ्या लोकांनी हा मूवी पाहिलाच पाहिजे, तरच लोकांमध्ये परिवर्तन होईल आणि खरी शिवसेना आपल्याला दिसेल। खरोखर हा सिनेमा सगळ्यांपर्यंत पोहोचला पाहिजे। मूवी जैसे इन्होंने बोला की खरंच डोळ्यात पाणी आलं मूवी बघून। आणि एक आपले आनंद दिघे साहेब जे आहेत ते धर्मरक्षक होते आणि मेसेज असा आहे की आपल्या सर्व शिवसैनिकांना एक धर्मरक्षक म्हणूनच आज पुढे निघालं पाहिजे। आणि एकनाथ शिंदेंनी आणि जे धर्मरक्षक आपले आनंद दिघे साहेबांनी जे काम केलंय समाजासाठी ते खूप अमूल्य काम आहे आणि ते समाजाला माहितीच नव्हतं। आणि आज ही मूवी बघून आज खरोखर डोळ्यात अश्रू आली त्यांचं काम बघून। आनंदी दिघे जी का जो रोल था, जिस तरह से उनका किरदार था और जो असल में वो जैसे थे, उनकी छवि जो है वो एकनाथ शिंदे में आई हुई है, इस तरह की फिल्म में बताई गई है, जानकारी दी गई है, उसके बारे में कहना। बिल्कुल, त्यांची छवि म्हणजे हुबेहूब 100% आपले एकनाथ शिंदे साहेब जे आहेत ते एकदम धर्मवीर आनंदीके साहेबांसारखेच आहे आणि त्यांच्या पावलांवरती पाऊल टाकूनच ते आज पुढे चालत आहे आणि हिंदुत्वांना पुढे, हिंदुत्व माणसांना सगळ्या हिंदू लोकांना पुढे घेऊन चालत आहे। तर खूप छान मूवी की अगर बात करें तो कौन सा पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा मूवी का जो आपको छू गया? सर्व मला जो शेवटचा पार्ट होता जेव्हा ते आनंदीके साहेबांना ते बघतात एंड मध्ये आणि त्यांच्या पार्टीवर जेव्हा ते खांद्यावरती हात ठेवतात आणि बोलतात का तू आता पुढे घेऊन चल, एका हातावरती हिंदुत्व आणि एका हातावरती शिवसेना हे घेऊन तू पुढे चल, हे खूप इमोशनल होतं आणि हे मला खूप आवडलं। सच्ची अपना जो क्या धर्म के लिए जो है अपना हिंदुत्व, हिंदुत्व का स्पिरिट सब में आने वाला, देख के तो पूरा आने वाला ही है सब में, जिसमें हिंदुत्व का कुछ ये नहीं है बोलेगा तो बिलीव नहीं रखते। फिर भी ये मूवी देख के एकनाथ शिंदे क्या है, एकनाथ शिंदे हमारा ठाणे का बाग है और वो जो है आनंद दिघे का दूसरा नाम ही एकनाथ शिंदे है। यूथ को भी मैसेज देने का प्रयास किया गया है, यूथ जो हिंदुत्व को नहीं समझ पा रही उनके लिए भी आपको लगता है कि ये मूवी उनको देखनी चाहिए? हाँ, स्पिरिट है ये मूवी, हर एक घर में हर एक बच्चा ने देखना चाहिए ये मूवी, स्पिरिट है उनके लिए। थैंक यू। एकच आवाज आणि धर्मवीर आम्ही बघणार दोनदा तीनदा जेव्हा ठाण्यामध्ये आणखीन मिळेल, ठाण्यामध्ये पण लागणार आहे पिक्चर, आता लागला असेल कदाचित तिकडे बघणार, तिथून मी इथे आलेला होता, गोडबंदर वर नाही इथे बघायला आलेला होता। बहुत अच्छा। आज धर्मवीर बघण्याची संधी ही आमच्या विभाग प्रमुख कुणालबाई सरमकरांमुळे सगळ्यांना मिळाली। खरोखर बघून इतकं रडण्यासारखं पिक्चर होतं की साहेबांनी खरोखर एवढे कष्ट केले शिंदे साहेबांनी आणि आज त्याचं चीज करून दिलं, खरोखर खूप बरं वाटलं आजचं पिक्चर बघून।